बदलाव यात्रा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बोकारो में एक जनसैलाब उभर कर आया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आम सभा पर पहुंचने के लिए हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। लेकिन हम इस समय सेक्टर 9 में हैं, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता राजेश महतो के नेतृत्व में हजारों गाड़ियां का काफिला निकला हुआ है। लेकिन हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पूर्व मंत्री अखिलू राम महतो जी हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है? आपके रैली और आपके आम सभा को देखने के लिए और सुनने के लिए लोग आते थे, आज आपके पुत्र ने इतनी लंबी जन सैलाब खड़ा किया है और आप यहाँ देख रहे हैं, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो आप सबों का सहयोग है, नौजवानों का सहयोग है। जब तक नौजवान जगेंगे नहीं, जमाना नहीं बदलता है। जमाना को बदलने के लिए नौजवान को जगना होगा, जज्बात उसको लाना होगा। युवा ही देश का प्राण है, युवा को उलट के देखो तो वायु होता है, समझे ना? युवा को उलट के देखो तो वायु होता है, वायु नहीं होगा तो दुनिया में कोई नहीं जिंदा रहेगा। इसलिए युवा को जिंदा रहना, युवा को मजबूत होना और देश को बदलना बहुत ही है। समाज में जो भी कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका जवाब एकमात्र शिबू सोरेन गुरु जी के बेटा सेमन सोरेन और हमारा लड़का राजेश कुमार महतो देने के लिए कमर कस लिया है, जो आप देख रहे हैं। अच्छा, राजेश महतो जब भी बड़ी जनसभा करने जाते हैं या किसी रैली में शामिल होने जाते हैं, तो आप क्या टिप्स देते हैं? हमेशा देखते हैं एक नया लुक रहता है, जब ब्लॉक में गए थे तो एक नया लुक था, इस बार उन्हें कुर्ता पैजामा आपने पहनवाया है, फिटिंग कुर्ता पैजामा। पहले वो जो कुर्ता पैजामा पहनते थे आपके डिजाइन का, इस बार कपड़े पे भी काम हुआ है, तो आपने क्या क्या टिप्स दिया है कि आज जाके क्या क्या स्टेज पे बोलेंगे? ये जमाना है, जमाना में जब जब पुकार होता है पहनवा का, उसी किस्म का आदमी पहनता है। अभी राजेश बहुत कम उम्र का आदमी है और संभाल रहा है, तो जिस उम्र में उसको चलना है उस उम्र के हिसाब से वो कपड़ा बदलता है। हम कोई टिप्स नहीं देते हैं, उसका भी अपना मिजाज आ गया है, इस मिजाज को बहुत ही हम लोग सराहना करते हैं, हमारा साथी भी सराहना कर रहा है। इसलिए सभी मिलकर के राजेश को आशीर्वाद दीजिए, हम यही सबसे आग्रह करेंगे। तो सुना आपने, यह है पूर्व मंत्री अखिलू राम महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजेश महतो में अब वो मिजाज आ गया है जिसकी सराहना अब इनके मित्र भी करने लगे हैं। हर उस पिता के लिए वो बेहतरीन दिन होता है जब उसके पुत्र सामने में उससे बढ़कर आगे काम किया करता है, लोग जब उसके पुत्र की तारीफ किया करते हैं। आज वो दौर है कि राजेश महतो के काफिले में हजारों गाड़ियाँ चल रही है और वो उखरीद मैदान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हम आपको अब सीधे उखरीद मैदान लेके चलते हैं, जहाँ राजेश महतो और कई विधायक आए हुए हैं, कई मंत्री भी रहे हैं और हेमंत सोरेन भी तुरंत आने ही वाले हैं।